कंट्रोल सिस्टम का जो ये क्वेश्चन है आई 93 2013 और 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन है ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज जी एस इक्वल टू वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर द क्लोज लुक ट्रांसफर फंक्शन विल हैव द पोल्स एट हमें क्या फाइंड करना है क्लोज लुप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है और उसके बाद उसके पोल्स फाइंड करना है तो एक चीज़ जो इसमें नोट करने की है वो ये होती है जो पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होते हैं वो होते हैं रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये चीज हमें इसकी नोट करनी है कि जो पोल्स होते हैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के वो क्या होते हैं एक्चुअली रूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के किसके क्लोज लुप ट्रांसफर फंक्शन के तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा क्लोज लुप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा और किसकी हेल्प से करेंगे हम ओपन लुप ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से तो जो क्लोज लुप ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है जनरल जो अपन लिखते हैं वो होता है जी एस अपॉन वन प्लस जी एस इंटू एचएस और जी एस की वैल्यू हमें गिवन है वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर और एच एस की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी क्यों होगी क्योंकि ये यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है हम जब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस वन अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर इन टू एच एस की वैल्यू हमें दे रखी है वन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एस प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर अपॉन में एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव ठीक है ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन अब हमें पता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे होती है जब हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल टू में जीरो रख देते हैं ठीक है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो अब हमको क्या फाइंड करना है इसके रूट्स फाइंड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन तो फाइंड हो गई है अपनी अब इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे जो रूट्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू है ठीक है तो ए की वैल्यू हमारे पास वन है बी की वैल्यू फोर है और सी की वैल्यू फाइव है इसमें जब हम पुट करेंगे सभी वैल्यूज को तो इसके आ जाएंगे रूट्स और वो आएंगे इमेजनरी के फॉर्म में माइनस टू प्लस माइनस जे और जो रूट्स होते हैं वही होते हैं हमारे पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन तो ये आया हमारा माइनस टू प्लस माइनस जे और ये हमको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सी तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी थैंक यू